गॉड रास्ता बंद तेरे तो मेरे पानी का सारा सत्यानाश नीचे हाल ये तो बुरे हाल हो गए इधर तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों जेबीसी मशीन आ चुकी है और कहां है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे दोस्तों तो दोस्तों कल के टेरर डे के बाद थोड़ी खुशी भी मिली शाम को जब इसरो ने अपना मतलब कि अपने चांद पे जब लैंड किया तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया दोस्तों जय हिंद दोस्तों चल बेल्ट है हमारी उसका पूरा टाइम हो चुका है सेब तोड़ने का तो लेट्स देखते क्या होता है देखिए फ्रेंड्स हिलासा आ गया है नीचे ये देखिए ओ माय गॉड रास्ता बंद अब जेबीसी मशीन बुलानी पड़ेगी तब जाके कहीं रोड थ्रू होगा और ये देखिए दोस्तों व्यू पक्षी की आवाज़ देखी आपने ये देखिए यहाँ पे ऊपर ये कुदरत के इशारों पे चलती है कुदरत मालिक है दुनिया के ऐसी लाइट गई हुई है फ्रेंड्स और ऊपर से दिमाग खराब हुआ है क्या करे सेब तोड़ना सभी लोग शुरू हो गए इकट्ठे अब ये नहीं सोचते कि एक दूसरे का कुछ कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है दोस्तों यहाँ पे अपनी ज़िंदगी अलग ही है यहाँ के लोगों की कसम से फ्रेंड्स ये देखिए अंदर से पानी आ रहा है यही कारण है जो ज़मीन खिसक रही है तो दोस्तों ऐसा पानी अगर निकले तो समझो वहाँ से कभी भी ज़मीन ऊपर से धस सकती है ज़्यादा बारिशों की वजह से तो अब देखते दोस्तों हमारी रोड में मशीन आ गई है जेबीसी की तो जहाँ जहाँ लाशे गिरे हैं वहाँ पर पॉइंट ही करने हैं क्योंकि सीज़न चला हुआ है दोस्तों और सीज़न में आपको पता है सेब तैयार होता है लोगों के तो इसीलिए मशीन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को फ़ोन करके यूँ आ जाती है फटाफट तो देखिए तेरे मेरे पानी का सारा नीचे हाल ये तो बुरे हाल हो गए इधर तो ओ माय गॉड ओ माय गॉड हे भगवान देखिए दोस्तों ये है तबाही नीचे मेरी कैंची वाली कैंची भी टूटी होगी कौन सी ये परे बन भाई गौड़े तो खतरनाक है यार मशीन वेरी डेंजरस ये देखिए फ्रेंड्स ये है तबाही तबाही का मंजर ऊपर से देखो लाशा देखो हाँ ओ नीचे तक है ये तो बेर है मैं भाई ये तो ऊपर से और भी आ सकता है यार हाँ नीचे तक है तो ये देखिए दोस्तों ये ऊपर से आया ये फ्लड वो देखिए वो टॉप से आया ये फ्लड कहीं से ऊपर से और ये सीधा ऐसे करके रस्तों में जितने पेड़ पूड़ थे सबको बहा ले गया नीचे तक अब मशीन आ गई है उसको भी मेरे ख्याल से बहुत टाइम लगेगा दोस्तों जेबीसी मशीन आ चुकी है और कार्य प्रगति पे है तो दोस्तों दिन का टाइम है 2:30 बजे का टाइम है और जेबीसी मशीन आ गई है और देखिए अब हमने रोड साफ करवाना है बहुत ही टूट फूट हो चुकी है हमारे रोड को यार शुक्र है आज धूप निकली अगर अभी भी बारिश होती ना फ्रेंड्स तो जैसे ही हम ठीक करते वैसे ही साला फिर देश द्वारा से आ जाना था तो थोड़ा दूर खड़े होना पड़ेगा हर कुछ तबाही हुई है हमारे रोड में क्या पूरे हिमाचल में यार प्रे करना दोस्तों यार जो बाहर से कोई वीडियो देख रहा है प्रे फॉर हिमाचल प्रदेश From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. एक घंटा हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए और अभी तक लगा हुआ है काम बड़ा टाइम लगता है दोस्तों ऐसे नहीं कि फटाफट हो जाता है ये देखिए नीचे कीचड़ कीचड़ा नीचे पेड़ ही पेड़ है ये देखिए नीचे सारा पेड़ मलवा जा रहा है नीचे जा रहा है मलवा चलो क्या करना यार क्योंकि हमारे किसी गांव में एक सेब की गाड़ी पूरी तैयार है पेटियां भरी हुई है कल शाम से रात से तो अब गाड़ी आएगी पिकअप आएगी तभी सेब पहुंचेगा मंडी में अदरवाइज वो तो सेब ऐसे ही रह जाएगा और ख़राब हो जाएगा सारा सेब यार तो जल्दी से जल्दी हो रहा है दोस्तों ना इसका ये तो फिर दोबारा भी आ सकता है ये देखो
ये तो यहाँ से मारना पड़ेगा थोड़ा सा, ये पत्थर भी आ सकता है। ओह ये मौलवा रखना मुश्किल हो गया, पीछे कहाँ लगती है जी गिल्ली। चलो रहने दो, तो दोस्तों देखो पूरा रोड हमने साफ कर दिया है। चलो अभी परे चलते हैं ना, तो ये देखिए आपको जो ताजी निकी गाड़ी है, मालिक है इस गाड़ी के। हाँ ठाकुर साहब, फाइनली डन, रोड ठीक कर दिया, ओके कर दिया। पता नहीं कुदरत के ऊपर अगर दोबारा से आ गया तो खत्म फिर काम। पर ये बढ़िया दिख रही है यार ये पट्टी। क्या गंदा जैसा हाची किसका? अच्छा कीचड़ में ना जाइयो, कीचड़ में ना, टोकरी में रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाय कर दे। तो फ्रेंड्स सेब के लिए गाड़ी आ रही थी लोडिंग के लिए, तो गाड़ी फंस गई क्योंकि कीचड़ भी है और चढ़ाई भी है और वहां पे स्किट कर रही है गाड़ी। तो जो देखते हैं दोस्तों थोड़ा धक्का धुक्का लगा के अगर ठीक हो जाए। देखिए रोड देखिए, वैसे मारो मारो धक्का 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 भाई, यहाँ पे फंस रही है दोस्तों यार। नो गॉड प्लीज नो नो, चलो 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 धक्का मारो। तो दोस्तों फाइनली हमने गाड़ी निकाल दी है और अब सेब लोड हो जाएगा। काफी डेढ़ घंटा लगा हमको। ओह माय गॉड, तो ऐसा होता है सीजन मानसून के साथ साथ। तो दोस्तों आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। बाय बाय, थैंक यू।